जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है लखनऊ से। लखनऊ विकास प्राधिकरण का प्रदेशवासियों को तोहफा। एलडीए के सभी पार्क में फ्री एंट्री रहेगी। तो 12 से 17 अगस्त तक एलडीए के जो पार्क हैं उसमें एंट्री फ्री कर दी गई है। उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की तरफ से इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो 12 से 17 अगस्त तक एलडीए के जितने भी पार्क हैं वहां पर फ्री एंट्री होगी। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से प्रदेशवासियों को ये बड़ा तोहफा दिया गया है और एलडीए के जितने भी पार्क हैं इन सभी पार्क में फ्री एंट्री रहने वाली है। 12 से 17 अगस्त तक एलडीए के पार्क में फ्री एंट्री की गई है। उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की तरफ से इसको लेकर के आदेश जारी किए गए हैं। तो 12 से 17 अगस्त तक एलडीए के पार्क में ये फ्री एंट्री रहेगी और इसको लेकर के एलडीए की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से प्रदेशवासियों को यह बड़ा तोहफा दिया गया है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। अभिषेक, एलडीए के पार्क में फ्री एंट्री रहेगी, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है, क्या जानकारी है? लखनऊ विकास प्राधिकरण पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहा है और लखनऊ में लगभग 5 लाख तिरंगे झंडे फहराने का एक बड़ा आयोजन किया गया है। उसी क्रम में आज एक बड़ा ऐलान और किया गया, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के लखनऊ के कम से कम 10 ऐसे बड़े पार्क हैं जहां पे लोगों का, सैकड़ों लोगों को जाने का आवागमन रहता है, लेकिन उसमें टिकट लगती है। जैसे जनेश्वर मिश्रा पार्क है, राम मनोहर लोहिया पार्क है, ये तमाम ऐसे बड़े पार्क हैं जहाँ पे टिकट लगता था, लेकिन ये आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और अब ये सारे लोग जाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क उन पार्कों में घूमेंगे। और उसके साथ साथ लखनऊ के हजरतगंज उन्होंने चटोरी गली में एक बड़ा आयोजन किया है और उसमें अब जो लोग वहां पे जाएंगे एक कॉन्क्लेव को देखने में वहां पे एक बड़ी भीड़ लगेगी। साथ ही साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है उन पे एक सजावट के लिए एक जो है प्रतियोगिता आयोजित की है, उसमें भी उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और जो लोग उस सजावट प्रतियोगिता में जीतेंगे उनको भी उपहार दिया जाएगा। तो ये तमाम तैयारियां ये देखी जा रही है कि इस बार का जो आजादी का अमृत महोत्सव है वो बड़े धूमधाम से और मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन की जो तैयारी है, साथ ही साथ लखनऊ विकास के विकास प्राधिकरण की जो तैयारियां हैं वो जोरों से दिख रही हैं। आयुष, चलिए बहुत शुक्रिया अभिषेक इस बातचीत और जानकारी के लिए।